प्रकार ही देखो, आप ध्यान से देखना, ये केम सेंसर है, इसका कार तार निकाल रखा है मैंने, ये मैप सेंसर है मास एयर फ्लो का, इसका भी तार निकाल रखा है मैंने, यानी सेंसरों का तार हमने निकाल रखा है। अब इधर आ जाओ आप, देखो मतलब गाड़ी बेचने के लिए कैसे कैसे लोग ड्रामे करते हैं, ये देखो ठीक है, सारे तार निकाल रखा है, चाबी ऑन किया, चेक इंजन लाइट आ गया, चेक इंजन लाइट चला गया, यानी ये कितनी गलत बात है ये कि बाईपास करने का हद होता है यार, मतलब गाड़ी बेचने के लिए लोग बाग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये देखो कपलर का तार उतरा हुआ, कपलर का तार उतरा हुआ है, तुरंत चेक इंजन लाइट आनी चाहिए लेकिन नहीं आया, गाड़ी स्टार्ट है, तुरंत आना चाहिए चेक इंजन लाइट लेकिन नहीं आ रहा है, ये होता है धोखाधड़ी। और लोग बाग ऐसे धोखाधड़ी करते हैं यार, कैसे यार, चेक इंजन लाइट का बाईपास कर दिया, चेक इंजन लाइट का ऑयल प्रेशर लाइट के साथ कनेक्ट कर रखा है, चाहे किसी और लाइट के साथ कनेक्ट कर रखा है, जो लाइटें जा रही हैं, कितनी गलत बात है। और ये देखो ऑन किया, आ रहा है वो, आ गया, स्टार्ट करते चला जा रहा है, यानी कि किसी और लाइट के साथ इसको बाईपास कर रखा है, ईसीयू के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया है, डिसकनेक्ट कर रखा है, नहीं तो। और हमने स्कैन किया, स्कैन किया, स्कैनर में कोड आ रहा है पूरा प्रॉपर, जो जो निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ लाइट नहीं शो कर रहा है। अब कस्टमर को कैसे पता पड़ेगा कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो एक गलत बात है कि नहीं, गाड़ी बेचने के लिए किस हद तक मतलब लोग बाग ऐसे कर देते हैं यार, क्या कह सकते हैं, कितना गलत है। और ऐसा कतई बिल्कुल भी कोई भी मैकेनिक ना करे यार, ये किसी और के बातों के चक्कर में ना पड़े ये सब चीज़ें, गाड़ी बेचने के लिए किसी को बेचेंगे तो उसको चेक इंजन लाइट नहीं आएगा, क्यों, प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, चेक इंजन लाइट आ रहा होगा, कस्टमर लेगा नहीं, अब चेक इंजन लाइट हम हटा देंगे, किसी और के साथ बाईपास कर देंगे ताकि ऑन पे तो आएगा। अब मैं बता रहा हूँ बाईपास कैसे करते हैं, ये चेक इंजन लाइट जल रहा है, तो चाहे बैटरी के लाइट के साथ में इसका बाईपास कर दे, चाहे ऑयल की लाइट के साथ बाईपास कर दे, यानी ये दोनों लाइटें के साथ बाईपास कर देगा, यानी ये लाइट जलेगा तो ये भी जलेगा, और ये लाइट जाएगा तो ये भी चला जाएगा, चाहे इसके साथ में बाईपास कर दे, ये लाइट जाएगा तो ये भी चला जाएगा। अब देखो जैसे सेल्फ मैं लगाता हूँ, ये देख रहे, समझ गए ना, अभी एयर मास सेंसर का तार, केम सेंसर का तार निकला हुआ है, ये सारे तार निकले हुए हैं, लेकिन बाईपास किसी भी एक लाइट के साथ किया गया है किसी ने, और बहुत गलत बात है ये, सरासर गलत है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, और गाड़ी बेचने के लिए लोग बाग इस तरीके से करेंगे यार, ये सोचा नहीं था। कस्टमर कह रहे यार चेक इंजन लाइट मेरा नहीं आता है, कोई भी खराब होता है तो, भाई कस्टमर को कैसे पता पड़ेगा कि गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अब स्कैनर हर बार पर डे तो लगाएगा नहीं, अब स्कैनर लगाएंगे तो जो ईसीयू के अंदर कोड है वो तो स्कैनर में हमें पता पड़ जाएगा, लेकिन हमें शो नहीं करेगा ये लाइटें, तो बहुत ज़्यादा गलत है, और इस सब चीज़ से बचें। और गाड़ी लें तो एक बार एक आध कपलर निकाल के चेक कर लें कि चेक इंजन लाइट आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा मजाक हो गया, पर क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदे तरीके से लोग मार्केट में दिक्कत कर रहे हैं। अभी मैं स्कैनर लगा के आपको दिखाता हूँ, स्विच ऑन कर दिया हमने, स्कैनर कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं ये, ठीक है, स्कैनर कनेक्ट कर दिया, ये स्कैनर है अपना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हमने कि क्या जो निकाले हैं वो कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉन्च में जाएंगे, लोकल डायग्नोस, यहाँ लिखेंगे टाटा, TATA, टाटा, टाटा इंडियन, ओके करेंगे, इधर देख लो लाइव दुनिया में कितने प्रकार के रंग होते हैं, व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर कार, टाटा मांजा, डीजल कार, क्वार्टर जेट 75, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, रीड फॉल्ट कोड, क्लच, एयर टेम्परेचर, एयर मास सेंसर में ही होता है, कन्फर्म है,
ईयर मास सेंसर, केम सेंसर, देख सकते हैं केम फेस सेंसर, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है, इसका भी ओपन सर्किट है, इसका भी ओपन सर्किट है, सर्किट टू ग्राउंड सॉर्टेड, ठीक है। ये देखो ओपन सर्किट, यानी कोड तो सारे इसमें जनरेट हो रहे हैं, पर ये चेक इंजन लाइट जा रही है, मतलब कितना तगड़ा धोखाधड़ी करा गया है। हालांकि आम आदमी को नहीं समझ में आएगी बातें, जो स्पेशल टेक्निकल आदमी होगा तो उसको ये बातें समझ में आएगी कि ये क्या चीज है और कितना बड़ा धोखा है गाड़ी लेने वालों के ऊपर में। आप कभी भी ऐसे काम, कोई भी टेक्नीशियन सुन रहा हो तो कोई कहता हो ऐसे करने के लिए, मत करो यार, ये देश के खिलाफ है यार, ये बहुत ज्यादा इलीगल है, कोई धोखा खा सकता है इसमें, उसके पैसे जा सकते हैं, उसका टाइम जा सकता है, समझ सकते हैं। 100 बड़ी बात है, आप क्या 100-200 रुपए लेके कर दोगे, लेकिन उसका क्या, अगले का जो इतना पैसा लगा के गाड़ी खरीद रहा है उसके साथ में इतना तगड़ा धोखा। तो कोशिश करें कि बिल्कुल इन सब चीजों पे ना जावें। तो इन्होंने गाड़ी खरीदी है भाई, और अभी फिलहाल मेरे पास इंजन के लिए गाड़ी आई थी, तो मैंने इंजन भी कराया इस गाड़ी का, मुंबई से आए थे, ये फौजी में आ चुके, फौजी के जवान है, और इनके गाड़ियों के साथ में धोखा हुआ है। तो सुन के बड़ा अजीब लगता है यार, कोई मतलब इस तरीके से धोखा कर सकता है, क्या कह सकते हैं भाई। तो यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताना था आपको, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।